हेलो नमस्कार मित्रों, भाई एवं बहनों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे आपके यूट्यूब चैनल में। यार आप लोगों के लिए फिर से एक प्राइवेट कंपनी का जॉब वैकेंसी लेके आ गया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी प्राइवेट कंपनी में जॉब लेके आया हूँ। इस कंपनी के बारे में आप में से बहुत सारे दोस्तों को पता होगा एंड काफ़ी सारे दोस्त इस कंपनी के बारे में कमेंट भी कर रहे थे कि भाई मारुति सुजुकी कंपनी के बारे में वीडियो बनाओ, कि मारुति सुजुकी कंपनी में जॉब के लिए कैसे आवेदन करना पड़ता है, कैसे पता करना होता है कि किस किस पोस्ट पर जॉब आया है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हमें एक वीडियो बना के बता दो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम मारुति सुजुकी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि मारुति सुजुकी कंपनी में किस किस पोस्ट पे भर्ती आई है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, मारुति सुजुकी रिक्रूटमेंट आ गया है और यहाँ पे महिला पुरुष सभी जॉब के लिए अप्लाई कर सकती है। सैलरी की बात करें तो सैलरी 35,000 या इससे भी ज्यादा आपको सैलरी मिल सकता है। सैलरी आपके क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंस और कंपनी के रूल के हिसाब से आपको काफी अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। हालांकि जो आपने यहाँ पे सैलरी देखा 35,000, यह एक एक्सपेक्टेड सैलरी है, अनुमानित सैलरी है। सैलरी आपको काफी अच्छी खासी मिलेगी और सबसे अच्छी बात यहाँ पे यह है कि आप बिल्कुल फ्री में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि देख सकते हो, नो फीस नो एग्जाम, यानी कि आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों ऑल इंडिया के लिए जॉब आया है, तो आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मारुति सुजुकी में नौकरी लेने का। तो इस वीडियो पे बने रहना, डिटेल में बताऊंगा कि किस किस पोस्ट पे जॉब आया है, कैसे आवेदन करना है, आवेदन करके भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमेशा की तरह मैं बोलना चाहूंगा कि यार वीडियो बनाने में यार काफी ज्यादा मेहनत लगता है, तो हमारे इस मेहनत के लिए लाइक कर देना, ज्यादा नहीं केवल 100 लाइक की जरूरत है। तो इस वीडियो पे 100 लाइक हमें चाहिए, 100 लाइक आप लोग कर दोगे बहुत ही कम है। और इसके साथ साथ दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर देना। अब करना क्या है, कैसे आपको मारुति सुजुकी कंपनी की वेबसाइट पे आना है, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल सा काम है, आपको अपने फोन में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना होगा। हालांकि मैं आपको अपने लैपटॉप में बता रहा हूं ताकि आपको समझने में और मेरे को समझाने में बहुत ही सिंपल हो जाए, और आप अपने फोन में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अपने फोन में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना और यहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप करना मारुति सुजुकी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया है मारुति सुजुकी MARUTI SUZUKI, बस ऐसा आप सर्च कर देना। दोस्तों जैसे आप सर्च करोगे तो यहाँ पे जो टॉप पे वेबसाइट आती है, जैसे कि देख सकते हो www.marutisuzuki.com, इसी वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। और यहाँ पे जो ये टॉप पे आ रहा है, ये भी दोस्तों मारुति सुजुकी का ही वेबसाइट है। यहाँ पे एड चल रहा है इसलिए ये टॉप पे यहाँ पे आ रहा है। तो दोनों में से किसी भी वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हो, एक ही वेबसाइट है, एक ही वेबसाइट पे आपको ले जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे टॉप वाले पे क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने, आप लोगों के सामने यहाँ पे मारुति सुजुकी की वेबसाइट आ जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं डिजाइन कुछ इस प्रकार किया गया है। अब यहां पे आने के बाद कैसे जॉब ढूंढना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे पता करना है कि किस किस पोस्ट पे मारुति सुजुकी में जॉब आया है, कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी रखा गया है, क्या क्वालिफिकेशंस मांगा गया है, सब कुछ यहां पे बताने वाला हूं। तो आप फटाफट दोस्तों इस वेबसाइट पे आइएगा। यहां पे आने के बाद क्या करना है, सिंपली नीचे की तरफ आना है, नीचे की तरफ आना है। यहां पे दोस्तों आपको देख सकते हो लिंक्स मिल जाता है अबाउट अस के नीचे, यहां पे देख सकते हो आपको लिंक मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो कैरियर्स का, यहां पे आप देख सकते हो तीसरे नंबर पे कैरियर्स का लिंक मिलता है, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप यहां पे कैरियर्स के लिंक पे क्लिक करोगे तो आप मारुति सुजुकी कंपनी के कैरियर्स के पेज पे आ जाओगे। यहां पे आने के बाद क्या करना है, कैसे जॉब ढूंढना है, वो मैं आपको बताता हूं। यहां पे देखोगे तो आपको बहुत सारे कैटेगरी मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप फ्रेशर के कैटेगरी में आते हैं तो फ्रेशर के लिए आपको यहां पे क्लिक करना होगा, मतलब कि फ्रेशर के कैटेगरी में जॉब देखना होगा। अगर आप दोस्तों इंजीनियरिंग का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहां पे क्लिक करना होगा, इसका भी एक कैटेगरी बनाया गया है। और अगर आप एक्सपीरियंस वाले हैं तो आपके लिए यहां पे अलग से एक कैटेगरी बनाया गया है। अगर आपने आईटीआई वगैरह किया है, आपको आईटीआई का जॉब करना है, तो भी यहां पे उसका एक अलग से यहां पे कैटेगरी बनाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो अगर मान लीजिए कोई बंदा फ्रेशर है, वो फ्रेशर के लिए जॉब अप्लाई करना चाहता है, तो यहां पे दोस्तों एक्सप्लोर नाउ पे क्लिक करना है। फ्रेशर के नीचे आपको लिंक मिलता है एक्सप्लोर नाउ, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहां पे एक नोटिफिकेशन आता है जो कि आपको पढ़ लेना है। इसके बाद दोस्तों यहां पे अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना है। और जैसे ही दोस्तों आप यहां पे अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने एक नया पेज आ जाएगा। जैसे कि देख सकते हो यहां पे, देख सकते हो कितने सारे यहां पे जॉब्स दिख रहे हैं, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो। अब यहां पे कैसे जॉब के लिए अप्लाई करना है, क्या करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। और सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ फिल्टर यूज़ करने का ऑप्शन। तो यहाँ पे देखो आपको फिल्टर यूज़ करने का ऑप्शन मिल जाता है, कैसे यूज़ करना वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको कैसा जॉब चाहिए, मारुति सुजुकी में बहुत सारे जॉब्स हैं, आईटीआई के लिए जॉब्स है, फ्रेशर के लिए जॉब है, और जो एक्सपीरियंस वाले हैं उनके लिए भी जॉब है। तो आप यहाँ पे कोई भी कीवर्ड दे सकते हो, कोई भी कैटेगरी का आपको जॉब चाहिए जो कि मारुति सुजुकी से रिलेटेड हो, तो आप यहाँ पे उसका कीवर्ड दे सकते हो। और प्लस यहाँ पे दोस्तों लोकेशन दे सकते हो कि किस लोकेशन पे आपको जॉब चाहिए, न्यू दिल्ली में चाहिए,
गुड़गांव में चाहिए, चेन्नई में चाहिए, दिल्ली में चाहिए, नागपुर में चाहिए, तो यहाँ पे काफ़ी सारा लोकेशन दिया गया है। तो आप अपना लोकेशन सेलेक्ट कर लेना, जॉब का टाइप सेलेक्ट कर सकते हो फुल टाइम। इसके बाद आप जैसे ही सर्च करोगे तो जो भी आपने यहाँ पे कीवर्ड दिया है, जो भी आपने डेटा यहाँ पे फीड किया है, उसी के माध्यम से यहाँ पे जॉब का डिटेल आएगा, अगर वैसा जॉब यहाँ पे मारुति सुजुकी में होगा। अब चलिए दोस्तों मैं आपको जॉब के लिए आवेदन करना बताता हूँ। जैसे आप दोस्तों यहाँ पे आओगे तो देख सकते हो दोस्तों 10 दिन पहले का जॉब यहाँ पे दिख रहा है, 8 दिन पहले का यहाँ पे जॉब आया है, 11 दिन पहले का यहाँ पे जॉब आया है, 12 दिन पहले का यहाँ पे जॉब आया है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी लेटेस्ट यहाँ पे जॉब्स आए हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों किसी में ज़्यादा क्वालिफिकेशन, ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगा जाता है, किसी में बहुत ही कम एक्सपीरियंस मांगा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सुपरवाइजर के लिए जॉब है, और यहाँ पे दोस्तों डेटा एनालिटिस्ट के लिए जॉब है जैसा कि देख सकते हो, और यहाँ पे देख सकते हो ऐसे काफ़ी सारा यहाँ पे जॉब है। आप यहाँ पे देख सकते हो मॉडलिंग का भी यहाँ पे जॉब दिया गया है, ऐसे यहाँ पे काफ़ी सारे कैटेगरी का यहाँ पे आपको जॉब देखने को मिल जाता है। तो अगर आपके लिए यहाँ पे जॉब दिखता है, मतलब जो जॉब आप ढूंढ रहे हो, जैसा आप जॉब करना चाहते हो, जिस जॉब के लिए आप एलिजिबल होते हो, तो आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे सुपरवाइजर के लिए जॉब आया, क्लिक करता हूँ, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो सुपरवाइजर के पोस्ट के लिए जॉब आया है, इस जॉब का पूरा डिस्क्रिप्शन आप लोगों के सामने आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो जॉब का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ गया है, जॉब का रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होगा सब कुछ रहता है, प्लस यहाँ पे स्किल्स क्या क्या आपके अंदर स्किल्स होना चाहिए सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, तो इसे भी आपको पढ़ लेना है। एंड यहाँ पे दोस्तों इसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मिल जाता है अप्लाई का फॉर्म भी मिल जाता है, जैसा कि देख सकते हो अप्लाई फॉर दिस जॉब। अगर आप इस जॉब के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहीं से आप अप्लाई भी कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म कैसे फिल करना है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले आप इधर देख सकते हो यहाँ पे मिल जाता है जॉब का और भी डिटेल, जैसे कि जॉब टाइप क्या होगा, फुल टाइम होगा, जॉब का लोकेशन क्या होगा यहाँ पे दिया गया है, एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है वो भी दिया गया है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, पोस्टेड डेट देख सकते हो क्या दिया गया है, यानी कि कब ये जॉब यहाँ पे पोस्ट किया गया है, 9 अक्टूबर यहाँ पे दिया गया है, और ऐसे ऐसे यहाँ पे देख सकते हो पोस्टेड बाई किसने यहाँ पे पोस्ट किया है, उनका नाम भी यहाँ पे दिया गया है, तो सब कुछ यहाँ पे डिटेल रहता है। और अगर आप इस जॉब के लिए एलिजिबल होते हो, आपके पास इतना एक्सपीरियंस, इतना क्वालिफिकेशन है, तो आप यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको ये बेसिक सा डिटेल देना होगा, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम जो भी हो दे सकते हो, मिडिल नेम जो भी हो दे सकते हो, लास्ट नेम जो भी हो दे सकते हो, अपना एक ईमेल आईडी यहाँ पे दे देना। इसके साथ साथ आपके पास जितने भी साल का एक्सपीरियंस है दे सकते हो, जितने भी मंथ का एक्सपीरियंस है वो दे सकते हो, अपना करंट सिटी दे सकते हो, अपना एक मोबाइल नंबर दे देना, और जो मेन पॉइंट है वो है रिज्यूम। जी हाँ, यहाँ पे आपको अपना सीवी रिज्यूम जरूर से जरूर यहाँ पे अपलोड कर देना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आपका रिज्यूम ही देखा जाता है। और यहाँ पे आपको अपने पप्पा जी का नाम, फादर जी का नाम यहाँ पे देना होगा, और यहाँ पे करंट एड्रेस यानी कि जो आपका एड्रेस हो वो आप यहाँ पे दे देना। एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर, यानी कि अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप आधार नंबर दे सकते हो, और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड है, तो पैन कार्ड नंबर भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता। और अगर आपके पास आधार कार्ड भी नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, तो आप इसे ऐसे इम्पटी रहने देना। और फिर यहाँ पे आता है 10th क्लास का डिटेल, यानी कि आपने जो 10वीं पास किया है, कौन से बोर्ड से पास किया है, यहाँ पे उसका डिटेल देना है, एड्रेस देना है, और ऐसे ऐसे यहाँ पे दोस्तों कब आपने पढ़ाई शुरुआत किया था, कब आपका कंप्लीट हुआ, कितना आपने यहाँ पे परसेंटेज पाए, वो सब आपको यहाँ पे डिटेल देना है। फिर यहाँ पे 12th क्लास का भी डिटेल देना है, ऐसे ऐसे आपको यहाँ पे कुछ डिटेल देना होगा। फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है उसका भी डिटेल देना होगा, ऐसे ऐसे आपको यहाँ पे बेसिक सा डिटेल देना होगा। इसके बाद दोस्तों सिंपली नीचे की तरफ आना, नीचे की तरफ आना, यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ इसका टर्म्स और कंडीशन मिल जाता है जिसे आप यहाँ पे एग्री करना, और सिंपली आपको यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जी हाँ, जैसे आप यहाँ पे सबमिट के एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जॉब के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे दोस्तों जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो करना क्या है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा काम है। जो लोग भी यहाँ पे मारुति सुजुकी कंपनी का जॉब ढूंढना चाहते हैं कि किस किस पोस्ट पे जॉब आया है या नहीं आया है और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो लोग फटाफट यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाए, मारुति सुजुकी की ऑफिशियल वेबसाइट पे गूगल पे सर्च करके मारुति सुजुकी जैसे आप सर्च करोगे तो वहाँ पे जो टॉप वेबसाइट आती है ये वाली आती है। यहाँ पे आने के बाद सिंपली क्या करना, नीचे की तरफ आना, यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा कैरियर्स का, आप यहाँ पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे फिर आपके सामने यहाँ पे एक नया पेज आएगा। अब यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको देख सकते हो बहुत सारा यहाँ पे कैटेगरी मिल जाता है, यानी कि जॉब्स का अलग अलग यहाँ पे एक पार्टीशन दिया गया है, जैसे कि जो फ्रेशर है उसके लिए अलग दिया गया है, और जो यहाँ पे इंजीनियरिंग का जॉब करना चाहते हैं उसके लिए अलग दिया गया है, एक्सपीरियंस वाले के लिए अलग दिया गया है, और यहाँ पे वर्कमैन के लिए, ITI के लिए भी अलग दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना होगा और क्लिक करना होगा। मान लीजिए अगर मैं फ्रेशर हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे फ्रेशर के नीचे एक बटन रहता है एक्सप्लोर नाउ का, इस पर क्लिक करना। क्लिक करूंगा तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा जिसे मेरे को पढ़ना है, फिर यहाँ पे अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करना है। जैसे मैं अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने यहाँ पे एक नया पेज आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे
देख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे आने के बाद आप जॉब को ढूंढ सकते हो, प्लस अप्लाई भी कर सकते हो। यहाँ पे आप जॉब का डिटेल देके ढूंढ सकते हो, सर्च कर सकते हो, जॉब को फाइंड कर सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे जॉब्स भी लेटेस्ट आए हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हो, तो यहीं से अप्लाई भी कर सकते हो। अप्लाई करना मैंने आपको पहले बता दिया और मैंने यहाँ पर रिपीट किया क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों को समझ नहीं आता। प्लस आप यहाँ पर दोस्तों फिल्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि आपको किस डिपार्टमेंट का आपको जॉब चाहिए, किस कैटेगरी का आपको जॉब चाहिए, जैसे इंजीनियरिंग का हुआ, सेल्स का हुआ, लीगल का हुआ, और भी यहाँ पे दोस्तों बिजनेस का हुआ, जनरल बिजनेस का है, बहुत सारा यहाँ पे कैटेगरी है, तो आप यहाँ पे कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हो। प्लस लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे मल्टीपल लोकेशन दिया गया है, तो आप यहाँ पे इस प्रकार फिल्टर भी इस्तेमाल कर सकते हो। और जिस भी जॉब के लिए आप एलिजिबल होते हो जरूर से जरूर आवेदन करिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट जॉब आया है जैसा कि देख सकते हो, और मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आके बताया, ना कि किसी की थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाके बताया, बिल्कुल जेन्युइन जॉब है। और जो लोग भी बोलते हैं कि भाई फेक वीडियो बनाता है, तो फेक वीडियो नहीं है भाई, आप खुद आके चेक करना और फिर आपको पता चल जाएगा कि भाई रियल है या फिर फेक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बताया कि कैसे आप यहाँ पे मारुति सुजुकी कंपनी में जॉब ढूंढ सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप करके सब कुछ बताया। उम्मीद करता हूँ वीडियो कहीं ना कहीं आपको पसंद लगा होगा। इसके साथ साथ दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे ही वीडियो देखने को मिलता है। और हाँ दोस्तों, जाते जाते आप सभी को एक इंपॉर्टेंट बात भी बता दूँ, जितने भी हम वीडियोज़ बनाते हैं जॉब के बारे में, इनमें आपसे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता, ना तो हमारी चैनल की तरफ से, ना फिर किसी भी प्राइवेट कंपनी की तरफ से। लेकिन अगर आपको कोई कॉल करके, मेल करके पैसे की मांग करे कि आप हमें इतना पेमेंट दो, हम आपको इस कंपनी में जॉब दिलवा रहे हैं, भर्ती करवा रहे हैं, तो आपको किसी को कोई भी पैसा नहीं देना है नौकरी के झांसे में आके। तो यहाँ पे दोस्तों आज का वीडियो में आप लोगों ने सीख लिया कि कैसे आप मारुति सुजुकी कंपनी में जॉब ढूंढ सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके बता दिया है। मिलेंगे दोस्तों किसी नई प्राइवेट कंपनी के जॉब के साथ, किसी नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, धन्यवाद।